हे फ्रेंड, हेलो रेंजर ऑफिस चैनल में आपको स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं और आपके नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे जो कि ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ। जैसे कि आप मेरा डेली का अपडेट देखते होंगे, DIS FIS का अपडेट का मैं एक वीडियो जरूर डालता हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे आइडिया लगता है मार्केट में क्या करना चाहिए, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, 15 सितंबर को DIS भर भर के 1938 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं, जबकि FIS ने सिर्फ 164 करोड़ की बाइंग की है। इसलिए बाइंग कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है शायद मार्केट अब सस्टेन कर जाए। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे करीब 20,000 के आसपास एक सपोर्ट था, और यहाँ पे देखिए कब का सपोर्ट था, ये करीब 21 जुलाई का 2023 का। फिर इन्हें फिर यहाँ पे सस्टेन किया इस बार, और ये ऊपर चला गया। बट देखिए, यहाँ पे यहाँ गया, ऑल टाइम हाई लगाया, फिर गिरा भी। अब यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा है कि चलिए ऊपर गया तो थोड़ा बाई करेंगे, लेकिन डर है शायद थोड़ा बहुत क्रैशेस आए। 19,500 से 19,000 तक मार्केट गिर सकता है। सेम कंडीशन बैंक निफ्टी की भी है, देखिए वो भी क्रॉस किया करीब 48,000, सॉरी 46,000 के आसपास था, मतलब एकदम पीक पे है। अगर यहाँ से HDFC बैंक, जिसका वेटेज ज़्यादा है निफ्टी बैंक में, अगर वो भागता है जो कि लगता है भागेगा, तो क्रॉस करेगा, ऊपर ही जाएगा, 47,000 तक जा सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट फ्रेंड्स, आप बहुत कॉशियस रहिए, मार्केट को थोड़ा सा एक बार सस्टेन करने दीजिए तब बाई करिएगा, नहीं तो हो सकता है क्रैशेस भी आने के चांस है, क्रैश हो तब आप बाई करिएगा। तो ये तो आज हो गया डिस्कशन, अब बढ़ते हैं। मैं अपना कुछ डाटा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। ये देखिए, मैंने कुछ पोजीशंस ली थी, जैसे कि जिसमें से 3 पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिए। एक HDFC बैंक, सॉरी जील की 320 की कॉल सेल की थी, जो कि मैंने 3600 पे बुकिंग कर ली है, 3600 नहीं सॉरी ऊपर है ये। तो मतलब अगर मैं नहीं बेचता तो शायद और प्रॉफिट कर सकता, बट मुझे एक पॉइंट के बाद प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बाद पता नहीं मार्केट, तो मुझे लगता नहीं है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जब आपको कुछ पता ना हो तो वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जो कि 7,800 करोड़ का। फिर मैंने एक PFC की छोटी सी कॉल सेल की थी, 620 रुपये का प्रॉफिट। फिर मैंने बजाज ऑटो 500 रुपये सेल किया, कॉल सेल किया था, नहीं पुट सेल किया सॉरी, 4800 की, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया था। और 2 पोजीशन किया है, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, कल मंडे का ऑल टाइम हाई एक लगाएगा। तो ये डिस्कशन था कि जब कंसोलिडेशन में मार्केट होता है तो आपके पैसे बनाने के चांस ज़्यादा होते हैं। ये बहुत ही सीक्रेट चीज़ है जो शायद ही आपको कोई बताए। अब उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। जैसे कंसोलिडेशन क्या होता है कि मान लीजिए एक बार हाई लगाएगा, एक बार लो लगाएगा। बेटर चार्ट मैं और ढूंढता हूँ, जैसे कि चलिए कुछ अच्छा चार्ट ढूंढ लेते हैं। हाँ चलिए, IDFC बैंक का एग्जांपल लेते हैं। अब ये देखिए, करीब 5 सितंबर से का ऑल टाइम हाई लगाया, फिर देखिए कंसोलिडेशन में जा रहा है, फिर यहाँ पे सस्टेन किया, फिर ये ऊपर आ गया। तो यहाँ पे ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये सपोर्ट हो गया और ये रेसिस्टेंस हो गया। तो मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आपने 100 की कॉल यहाँ सेल कर दी यहाँ पे, तो थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया तो पुट कॉल बढ़ जाएगी, कॉल की वैल्यू, तो आप डरोगे, बट फिर ये नीचे गया तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करे, फिर बढ़ने लगेगी कॉल की वैल्यू, तो ये होता है। तो आप मान लीजिए एक बार गलत होते हो तो नीचे आएगा, तो फिर आप सही हो जाओगे तो आपके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये कंसोलिडेशन में ही ये काम करता है, इसमें आपके गलत एक बार गलत होंगे तो एक बार आप सही भी होंगे, अब जब सही हो जाए तो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ पे लो लगाए, तो हम मान लीजिए कोई सोचता कि यहाँ और गिरेगा तो गलत हो जाता। तो यहाँ पे आपको पहले का सपोर्ट देखना होता कि यहाँ पे इन्हें कई बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से इसका नीचे नहीं गिरा, तो ये सपोर्ट यहाँ बन रहा था। किसी ने अगर यहाँ की कॉल सेल की होती, सॉरी पुट सेल, तो अच्छा पैसा बना था जब ये ऊपर गया। तो कंसोलिडेशन में यही प्रॉफिट होता है कि जब आप एक बार ऊपर जाए, एक बार नीचे आता है मार्केट थोड़ा सा,
उसमें आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अपना परसेंटेज बनाइए कि मुझे 2% 5% डेली का बुक करना है। आप 40% 50% पे मत फोकस करिए, जरूरी यही है कि कम पे आप फोकस करिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके तो बहुत सारा पैसा बना सकते हैं मार्केट में। ये चीज़ें कोई बताता नहीं है आपको, ये मैंने ट्राई भी किया है और ये वर्क भी कर रहा है। बट जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपको एक बार सही होना पड़ता है, सॉरी मतलब आपको प्योरली मतलब या तो देखिए चांसेस क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी में कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 50% प्रोबेबिलिटी रहती है। आप 50% सही होंगे, जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो आपको लगेगा ऊपर जा रहा है सही है, तो 50% सही और गलत हो गया तो डाउन हो गया, तो आप 50% गलत हो गए तो आप एक ही तरफ प्रॉफिट बना पाएंगे। जबकि मार्केट जब कंसोलिडेट करता है तो दोनों लोग प्रॉफिट बना पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जानकारी मुझे लगा आपको देनी ज़रूरी थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। आप ऐसे जानकारी के मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।